है कि हम ये चाहें कि अपने लिए इनके जकरा मतलब डाउट हुआ कि शो में आके ना आवेला तो जाके एक बार सर्च करके प्लीज देखी। मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है एक लड़की के ऊपर, वहाँ पर मतलब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और मेरे हस्बैंड गांव में घूमने जाते, तो वहाँ पता चलता है कि कोई लड़की भाग जाती है तो उनको लड़की से नफरत हो जाती है, तो आके बोलते हैं हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए क्योंकि बड़ी होगी ये, तो लड़की होके बड़ी होगी तो वो भी मेरा नाम बदनाम करेगी, तो इसलिए वो बोलते हैं कि लड़की चाहिए। तो हमको तो अब मैं तो माँ हूँ ना कि लड़का लड़की मेरे लिए तो एक ही है। वो कैसे हो हाँ पाएगा? तो मैं बोली कि नहीं, मतलब मैं सोच रही गुड़िया लेके खेल रही थी, उनको वो लड़की देखे तो उसमें डांटते मेरा लड़की पैदा हो जाता है तो उसको फेंकने के लिए बोलते हैं, जाके फेंकती हूँ। उसके बाद एक सॉन्ग है, नेगेटिव नज़र से देखेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आप उसको बनाइए ना। आप जाके देखिए एक बार, ज़रूर सर्च कीजिए, जाके देखिए, अगर पता उसमें चल जाएगा ना सोम्या को आता है या नहीं आता है। आप भी नहीं देखे थे, थोड़ी पता था कि सोम्या को आता है नहीं, देखे तभी ना पता चला है। लोग आप पे अभी आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी भैया आपको काम इसलिए फिल्म में नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट रहता तो इस 6 महीने के बीच में आपको फिल्म मिल गया होता। ये हाँ रियल क्वेश्चन है। ये बात मैं आप लोग को ऐसे जवाब देती हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जवाब बहुत थोड़ा सा जल्द दीजिए। पटना जाने वाली हूँ, बहुत जल्द, तो मैं वहीं से आप लोग को ये जवाब देना चाहती हूँ। पटना जाके ही जवाब हाँ मैं दीजिएगा। वहीं पर जाके आप लोगों के सबके बीच में ये जवाब देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ सौम्या पोखरेल जी है, जैसा कि आप इनको जानते होंगे टैटू गर्ल के नाम से, और खेसारी लाल की सबसे बड़ी फैन है। इनका एक भोजपुरी शॉर्ट फिल्म आया हुआ है जो यूट्यूब पर काफी दर्शक जो है उसे पसंद कर रहे हैं। चलिए आइए उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। और आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि सौम्या पोखरेल जी कुछ डायलॉग बोलते हुए दिखते दिखे, कुछ एक्ट करते हुए दिखे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सौम्या पोखरेल को एक्टिंग करना ही नहीं आता। तो उसका सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं तमाचा जो होता है ना, इन्होंने शॉर्ट फिल्म बना के डाल दिया है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि सौम्या जी को जो काम मिला था, खेसारी जी काम दिए थे वो उनके टैटू के बदलाव दिए थे, लेकिन इन्होंने जो शॉर्ट फिल्म निकाला है ना, मैंने खुद देखा है, काफ़ी शानदार जो है फिल्म है। आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। और जितने जो लोग देख रहे हैं ना, और हमारे चैनल पर थोड़ा सा अपोजिट पार्टी भी है, आप लोगों को भी थोड़ा सा देख लीजिए सौम्या जी एक्ट की है, कैसा एक्ट की है, और आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि इनकी एक्टिंग के बदौलत ही वो फिल्म काफ़ी हिट हो रहा है। सौम्या जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो आपका शॉर्ट फिल्म आया था उसका नाम पहले दर्शकों को बताइए ताकि वो सर्च करके देखें। मेरा शॉर्ट फिल्म का नाम है बिटिया रानी, बाबा बी फिल्म से रिलीज हुआ है। जी, ये कितने समय का फिल्म है? ये 14 से 15 मिनट का शॉर्ट मूवी है। जी, और आपके को आर्टिस्ट कौन कौन है? दो आदमी का नाम बोल दीजिए। प्रमोद कुछ ऐसा ही नाम था उनका जो मेरे साथ लीड किए थे, वही लोग, उन लोग का पहले भी मूवी आया है बहुत सारा, तो वो लोग हैं, नाम उतना याद नहीं आ रहा अभी मैं धूप से। बिटिया रानी जो आपका फिल्म है उसमें आपका कैरेक्टर क्या है? माँ का माँ का कैरेक्टर किया है जी, आपने, और आपकी बेटी कौन है? मेरी बेटी तो पेट में रहती है, ओके, मतलब उसे मैं एज अ प्रेग्नेंट होती हूँ जी। तो मतलब ऐसा सीन है जो मैं हॉस्पिटल में सिर्फ मेरा बच्चा हो जाता है ऐसा वाला। स्टोरी लाइन मतलब क्या है उसमें? उसमें माँ का ये संघर्ष दिखाया गया या क्या दिखाया गया? नहीं नहीं वैसा नहीं है, अभी जैसे कि हम लोग का बेटी को हम लोग का समाज में बहुत घृणा किया जाता है कि बड़ी भ्रूण हो हत्या करा दिया जाता है, पेट में ही कितने को मार दिया जाता भ्रूण है, हत्या। और किसी को जन्म होने के बाद फेंक दिया जाता है, किसी को मतलब ये सोचते हैं कि कोई लड़की बड़ी हो के मेरा इज्जत ना उछाले, किसी के साथ भाग ना जाए, कोई कांड ना कर दे, इसलिए वो लोग डरते हैं। दहेज देना पड़ता है शादी होने के बाद, पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उसके बाद दूसरा घर भेजना पड़ता है, इसलिए लड़की को पसंद नहीं किया जाता। तो हम लोग ये शॉर्ट मूवी से ये चीज़ दिखा मतलब बता रहे थे कि लड़की भी अभी कोई लड़का से कम नहीं है, तो लड़की को घृणा नहीं करना चाहिए। फिल्म को आपने करके कैसा लगा आपको? देखिए, एक माँ दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है माँ, और उस रोल को निभाना कोई मतलब आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था उस रोल को निभाना, और मैं कर ले, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाई। और जिसको विश्वास नहीं लगता है कि सौम्या से नहीं हुआ, वो एक बार जाके ज़रूर देखे बिटिया रानी, और मेरा बहुत जल्द दूसरा भी आने वाला है शॉर्ट मूवी, तो आप लोग देख सकते हैं एक्टिंग, एक्सप्रेशन, हाँ सब कुछ,
डांस, अभी भी टुनटुन जी के साथ भी मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है साड़ी पर खेसारी अन्नपूर्णा से, तो आप लोग उसमें जाके एक्टिंग हर कुछ देख सकते हैं कि सौम्या को क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन सौम्या जी आपको बता दे, जो आपकी एंटी पार्टी है वो कहती है कि सौम्या को तो एक्टिंग आता ही नहीं है। देखिए अब देखिए, आप किसी को मतलब खराब एक नेगेटिव नज़र से देखेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आप उसको बनाइए ना, आप जाके देखिए एक बार ज़रूर, सर्च कीजिए जाके देखिए, अगर पता उसमें चल जाएगा ना सौम्या को आता है या नहीं आता है। आप भी नहीं देखे थे थोड़ी पता था कि सौम्या को आता है नहीं, देखे तभी ना पता चला है, वही बात है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपने फिल्म नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सौम्या जी का जो फिल्म है उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से जाइए और वहां जाके जो है आप वीडियो देखिए। लेकिन एक चीज़ और चीज़ है, जो आपने फिल्म किया था वो कितने दिन में शूट हुआ था? वो लगभग 2 दिन में हुआ था। 2 दिन में हुआ जी। था। दिन में भी शूट हुआ था कि सिर्फ? हाँ दिन ही में शूट हुआ, रात में नहीं हुआ। नहीं, मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है एक लड़की के ऊपर, वहाँ पर मतलब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और मेरे हस्बैंड गांव में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि कोई लड़की भाग जाती है तो उनको वो लड़की से नफरत हो जाती है, तो आके बोलते हैं हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए क्योंकि बड़ी होगी ये, तो लड़की होके बड़ी होगी तो वो भी मेरा नाम बदनाम करेगी, तो इसलिए वो बोलते हैं कि लड़की चाहिए, तो हमको तो अब मैं तो माँ हूँ ना कि लड़का लड़की मेरे लिए तो एक ही है, कैसे हो पाए। हाँ तो मैं बोली कि नहीं, मतलब मैं सोच रही गुड़िया लेके खेल रही थी, उनको वो लड़की देखे तो उसमें डांटते मेरा लड़की पैदा हो जाता है तो उसको फेंकने के लिए बोलते हैं, जाके फेंकती हूँ, उसके बाद एक सॉन्ग है और उसके बाद फिर से उनको कन्विंस करके उनको लेके मैं घर पर आती हूँ, तो तब उनको थोड़ा समझ में आता है इस तरह से। फिल्म में गाना वगैरह भी यूज किया गया? एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बेटा रहतू रहती तमाई ना फेंकतू, ऐसे ही कुछ गाना बटे, बहुत अच्छा फिल्म बटे। और कहे कि हम ये चाहें कि अपने लिए जकरा मतलब डाउट बा कि सौम्या के ना आवेला तो जाके एक बार सर्च करके प्लीज़ देखी जरूर। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म के लिए? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर एक बार बिटिया रानी देखें बाबा भी फिल्म से, क्योंकि वो फिल्म कोई मनोरंजन या कुछ चीज़ के लिए नहीं बनाया गया, एक सामाजिक संदेश के लिए बनाया गया, तो आप लोग सब लोग देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि सौम्या जी का जो फिल्म आया है उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर प्यार दीजिएगा, काफ़ी अच्छा फिल्म है और दर्शकों का जो प्यार है दुलार है वो काफ़ी मिल भी रहा है। और आप सभी जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सौम्या जी को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रही है, पहले से ज़्यादा जो है अब मेहनत कर रही है, चाहे वो एक्टिंग हो या गाना भी काफ़ी अच्छा गा ही ले रही हैं, और बाकी सारा चीज़ जो है पूरा, तो मतलब मैं क्या कहूँ, पूरा पैकेज लेके आ रही है। तो आप इनको देखिए, और इनका बहुत सारे एल्बम भी आ रहा है वो भी देखिए, बहुत सारे चीज़ काम कर रही है वो भी देखिए, इनका टिकटॉक पे तो वैसे वायरल हो ही रही है, रोज़ का रोज़ वीडियो आ रहा है, तो आप उसको भी देखिए और अपना प्यार व्यवहार जो है आप इन पर बरसाते रहिए। सौम्या जी एक और सवाल हम करना चाहेंगे, जिसके लिए हम वाकई में आए थे, लेकिन मेरा मन था कि पूछे ना पूछे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सवाल जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब आप भी कैसे लोगों से रूबरू होंगे। लोग आप पे अभी आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी भैया आपको काम इसलिए फिल्म में नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना टैलेंट नहीं है, अगर टैलेंट रहता तो इस 6 महीने के बीच में आपको फिल्म मिल गया होता। हाँ, ये रियल क्वेश्चन है। ये बात मैं आप लोग को ऐसे जवाब देती हूँ जैसे कि मैं बहुत जल्द पटना जाने वाली हूँ, बहुत जल्द, तो मैं वहीं से आप लोग को ये जवाब देना चाहती हूँ, पटना जाके ही जवाब। हाँ, मैं वहीं पर जाके आप लोगों के सबके बीच में ये जवाब देना चाहती हूँ। हमेशा से चैनल से हमेशा ये सवाल, मतलब कि ज़्यादातर मुझसे ही कहा जाता है, जो लोग मुझे जानते हैं और आपको जानते हैं वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि सुनील भाई आप कहते हो कि सौम्या जी ये हैं वो हैं, अगर उसके पास टैलेंट होता वाकई में तो अब तक काम मिल गया होता, ये 6 महीने जो है नहीं हुए होते, सिर्फ एल्बम करके ही वो नहीं छोड़ दिए होते। वही तो मैं बोल रही हूँ, बहुत जल्द जाने वाली हूँ, वहीं जाके आप लोग को जवाब दूंगी मैं। तब आप इस जवाब के लिए इंतज़ार कीजिएगा, तब तक आप दर्शकों आप सौम्या जी को काफ़ी सपोर्ट कीजिए, इनका एल्बम भी आ चुका है, फिल्म भी आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो सौम्या जी को सपोर्ट कीजिए और इनको जो है आशीर्वाद दीजिए, भोजपुरी समाज का पूरा आशीर्वाद जरूरी है। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल पर सौम्या जी का और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, उस चीज़ को देखिए, सपोर्ट कीजिए, और तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।